किस तरह से कहानी आपके ने जहन में आई कि पत्रकार को एक फिल्म बनाना चाहिए, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर है, क्या वैसे लेकर फिल्म बना रहे? राइटर भी हूँ मैं। हाँ वही राइटर डायरेक्टर। तो ये कहानी एक्चुअली आप ही सब आप सबकी कहानी है और इसमें मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ तो मैंने बहुत कुछ देखा है और एक छोटे लखनऊ से शुरू किया है मैंने करियर, भी दिल्ली में हूँ बहुत साल से और मैंने बहुत सारी घटनाएं करी, बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे अलग अलग तरीके का ऑर्गेनाइजेशन जैसे हिंदी इंग्लिश मैगजीन न्यूज़पेपर सब कुछ हर जगह काम किया, फोटो एजेंसी में भी काम किया है तो हर जगह का एटमॉस्फेयर सारी चीज़ें पता है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं शायद इस फिल्म को बहुत अच्छे से दिखा पाऊँगा कि प्रिंट मीडिया है क्या, अच्छी बुरी चीज़ें आपको देख के लगेगा, मज़ा आएगा और घटनाएं भी मैंने ऐसे जोड़ी हैं कि आपको देख लगेगा कि ये हमारी कहानी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है हमारी हमारी ज़िंदगी से। फिल्म की खास बात यह है कि फिल्म के सारे स्टारकास्ट नए हैं, ऐसे भी एक चेहरा आया गोविंद सर का जो बॉलीवुड से जुड़े, तो क्या इतना बड़ा रिस्क ले रहे क्योंकि आजकल के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं फिल्म से फिल्म के बड़े बड़े कलाकार को लेकर फिल्म बनाते हैं, आपने सारे नए कलाकार ले उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? गोविंद जी भी हैं, गोविंद जी तो हैं खैर तो बहुत पुराने, लेकिन थोड़े बहुत एक्सपीरियंस के और भी हैं जैसे अमन जी थे अभी देखा आपने, अमन वर्मा, वेदिता है उसने भी दो फिल्में की हैं, लेकिन इसके अलावा सारे नए हैं, लेकिन रियल लाइफ के करेक्टर्स पर हमने ज़्यादा ध्यान दिया है। रियल लाइफ एक्टर्स जो होते हैं वो रियल लाइफ को कॉपी करते हैं, जैसे किसी एक्टर को जज की एक्टिंग करनी है तो किसी जज को फॉलो करेगा, हमने सोचा रियल जज को ही ले आए और वो देखा आपने कैसा काम किया उन्होंने। नहीं कैसा काम किया के अलावा कौन से जज को लाए हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में बताओ। तो जस्टिस कोड़े प्रदीप कोड़े जी, जस्टिस प्रदीप कोड़े जी, उनसे उनको मैंने अप्रोच किया और काफ़ी सिक्योरिटी जांच के बाद उन्होंने हम पे टेस्ट किया, उसके बाद फिर यहाँ आए और उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कम से कम 18 लोगों को फांसी की सज़ा एक केस में दी है और बहुत बड़ा नाम, 93 ब्लास्ट, 2003 ब्लास्ट, ये सब जो हुए इसमें 18 से ऊपर लोगों को 18 लोगों को फांसी दी और इतने साल से जज हैं, बहुत एक ईमानदारी की मिसाल माने जाते हैं। ऐसे रेपुटेड जज को यहाँ इस फिल्म में काम करने के लिए राजी करना और उनका राजी होना, यही ये बात दिखाता है कि इस सब्जेक्ट में और इस इनके इस प्रयास में कितनी सच्चाई है, कितनी गहराई है और कितनी शिद्दत है इस प्रोजेक्ट में इनकी, जिसकी वजह से वो आ गए और उन्होंने काम किया और बहुत ही दिल से तसल्ली से काम किया और बहुत खुश होकर काम किया, सबको ब्लेसिंग्स दी। सर ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, बॉलीवुड में लोग कहते हैं कहानियाँ नहीं, मैं कहता हूँ कहानियाँ उनकी कहानियों तक इनकी रीच नहीं है, मैं चूँकि कहानियों के ही फील्ड से हूँ तो मेरे पास तो अंबार लगा है कहानियों का, मैं तो मतलब मैक्सिमम मैं ट्राई करूँगा कि करंट अफेयर्स पे या उस तरह की कहानियाँ बनाऊँ जो मैंने देखी हैं सुनी है, या मनगढ़ंत कहानियाँ तो बहुत हो गई हैं मेरे पास तो भंडार है। आजकल जैसे फिल्मों की हिंदी फिल्मों की बात करें तो गाना है कि फिल्म को हिट कराने का बहुत बड़ा हाथ रहता है, तो हमारे 6 गाने हैं सारे डिफरेंट शेड्स के हैं और आपको सारे के सारे पसंद आएंगे, सभी सिचुएशनल गाने हैं, सभी सिचुएशंस को एनहांस करते हैं, फिल्म की स्टोरी को आगे लेके जाते हैं। सिर्फ एक गाना इसमें ऐसा है जो फिल्म की पब्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और एक एंटरटेनमेंट के माध्यम से भी सोचा गया है, वो अभी हमें शूट होना है। क्या कौन सा? कमरिया पे लट्टू नचाए बालमा, कमरिया पे लट्टू नचाए बालमा, जिसका ऑर्गेनाइज गोविंद जी करते हैं, ये पॉलिटिशियन है लखनऊ में, एक पार्टी बुलाई उन्होंने तो एक तो देखो दो लेवल हैं गोविंद जी के, ये बड़ा लेवल है जब एक अच्छे पॉलिटिशियन बन जाते हैं, जब शुरुआती दौर के हैं चुनाव जीते हैं तो एक बहुत अच्छी नौटंकी करवाते हैं, तो नौटंकी करवाता हूँ और वो नौटंकी भी बहुत पसंद आने वाली है लोगों को। तो नौटंकी आपने सुनी बहुत होंगी, देखी बहुत होंगी, लेकिन इस नौटंकी में कानपुर की फेमस नौटंकी है, सारी जो डांसर्स हैं वो सारे रियल हैं, म्यूजिशियन सारे रियल हैं, सिंगर सारे रियल हैं, तो ये आपको फील आएगा कि रियल नौटंकी आप देख रहे हैं। अच्छा फिल्म की लोकेशन की बात करते हो, लोकेशन क्या क्या होगा उसके बारे में बताएंगे? लोकेशन भी सारी मैक्सिमम लोकेशन हमने वर्जिन ली है कि कभी शूट नहीं हुआ और लखनऊ में हमने काफ़ी शूट किया है, ट्राई ये किया कि आपको न्यूज़पेपर्स के रियल दफ्तर हमने शूट किए हैं, रियल डेंटल क्लिनिक हमने शूट किया है, जो मैक्सिमम लोकेशन हमने रियल ली है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा जिस तरह से फिल्में बन रही है रियल
हाँ, इस फिल्म को तो करना ही चाहिए क्योंकि ये फिल्म में अल्टीमेटली एक ये मैसेज देती है कि सच्चाई की ही हमेशा जीत होने वाली है। सो जो सच्चाई पर चलने वाले लोग हैं वो हताश ना हों, उनके जीवन में परेशानियां ज़रूर आएंगी लेकिन सभी तरह की परेशानियां सच्चाई के आगे, सच्चाई के आग के आगे सब खाक होने वाली हैं। तो ये मैसेज आज की जनरेशन के हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए क्योंकि सोसाइटी में इसके साथ बहुत फाइट हो रही है। आदमी को ये समझ, आज की जनरेशन को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सच्चाई पर रहने, डटे रहने से उनका फ़ायदा है या आज के जीवन में हर तरह के बहाव के साथ बह जाने में उनका फ़ायदा है। तो ये जो उनकी दुविधा है, ये उहापोह है, उसका जवाब है ये फिल्म। बस आए और देखें, मज़ा आएगा उनको, एक अलग कहानी दिखेगी, कहानी की रियलिटी दिखेगी आपको। चालू है ना?